बीते दिने मिति 25 अगस्त 2021 नो पोर्ट प्रेमिसेस HTPL किला रायपुर विखे एक खूनदान कैंप लगाया गया। इस कैंप नू बापू चूड़राम मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अते भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी वालों स्पॉन्सर किया गया। ए ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया दे पेशेंट्स दे लई लगाया गया। सारी टीम ने इस मौके श्री प्रवीण कुमार जी जो कि पोर्ट मैनेजर HTPL डेलो ने उन्हां नाल गलबात की। इन्हां दे नाल नाल विनोद कुमार सुपरिंटेंडेंट अते हंसराज सलारपुरी सुपरिंटेंडेंट नाल गलबात की। हंसराज सलारपुरी जी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल दे स्टेट बॉडी मेंबर ने ते इस दे नाल नाल गीतकार गायक एक्टर डायरेक्टर अते प्रोड्यूसर भी ने। इस दे नाल नाल इस मौके ऑर्गेनाइजर्स वालों पौधे भी लगाए गए। कोरोना महामारी दे दौर दे विच ऑक्सीजन दी घाट नूं सब तो ज़्यादा महसूस किया गया और कुदरती ऑक्सीजन दे लई साडे आस पास पेड़ां दा होना बेहद जरूरी है। सो इस चीज़ नूं ध्यान विच रखदिआं ऑर्गेनाइजर्स वालों पर्यावरण दी सुरक्षा दे लई पेड़ भी लगाए गए। आओ नज़र मारदे हां ब्लड डोनेशन कैंप दीआं झलकियां ते। ए धरती पीर फकीरां दी, ए धरती पीर फकीरां दी, इत्थे सिप्पियां ते हीरे लभदे ने जिन्ना लखदा ताजी ना प्यार पाया। अज प्यारे हो गए सब देने ए धरती पीर फकीरां दी, ए धरती पीर फकीरां दी। दिन रात जो मेहनत करते सी जी, जो मुश्किलें कोरोना के एपिडेमिक में ब्लड के लिए आई, ब्लड की कमी रही, ऑक्सीजन की कमी रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उनको देखते हुए जैसे आज आपने इस टर्मिनल पे एक बहुत बड़ा उपराला किया है कि यहाँ पर आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें बढ़िया ब्लड है जो लोगों का उसको DMC में टीम जहाँ पर आई हुई है और साथ में आपके कस्टम डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट साहब हंसराज जी एंड विनोद जी हैं जो वो आपको सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके माइंड में था, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सीडेटिव सी रहती हैं, लेकिन आप लोग जैसे एक माइंड में हमेशा ये चीज़ें रखते हैं कि हमने लोगों की सेवा भी करनी है, केवल डिपार्टमेंट ही नहीं है उसके साथ साथ एक विज़न जो आपका है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बेसिकली पिछला जो 2 वर्ष गुजरे हैं पेंडेमिक की वजह से, इसने सभी को परेशान किया है, तो हमारी भी मैनेजमेंट का ये मानना है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते जितना भी हम शेयर कर सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं, करेंगे इसमें। तो हम सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन कर रहे हैं अपने प्रीमाइसिस में, जिसमें हम चाहते हैं कि हम हमारे स्टाफ की तरफ से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन की उम्मीद है और बाकी भी लोगों से हमने बोला है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ये प्रोग्राम सफल रहे। थैंक यू। सर क्या सोचते हैं कि आमतौर पर ये भी देखा गया है कि हम लोग कैंप लगा लेते हैं, डॉक्टर्स के कैंप लगा लेते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप और उसमें DMC जो कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जब आदमी जाता है अगर उसने बचना होता है तो वहाँ बच जाएगा क्योंकि ऐसी व्यवस्था उनके पास है। और ब्लड डोनेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो भी लोडबंद लोग जाते हैं तो उनके लिए भी वो लोग खड़े हैं हमेशा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नो डाउट DMC हॉस्पिटल जो है लुधियाना में अपना उसका एक नाम है और वो सहयोग उनसे हमें इस आयोजन के लिए मिला, उसके लिए मैं DMC को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर क्या सोचते हैं आप, अगर हर डिपार्टमेंटल जो इंसान है जैसे आज हंसराज जी सेवा में लगे हुए हैं, उनका मिशन ये है कि हमने जैसे प्लांटेशन करनी है, आज 65 के करीब जो है वो बूटे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो लोगों को पैनडेमिक में प्रॉब्लम आई थी उसके लिए इनके माइंड सेटअप ऐसा है, और उसके साथ साथ जैसे विनोद जी हैं इनका माइंड सेटअप ऐसा है कि हम लोगों ने सेवा करनी है, क्या कहते हैं जैसे आप टर्मिनल के हेड हो, और ऐसी चीज़ें जो है आज हर डिपार्टमेंट अगर सोचती है तो एक नया रूप जो है पंजाब का, हिंदुस्तान का बन सकता है। नहीं, ये निश्चित ही बहुत ही अच्छा सोच है क्योंकि जो पिछला 2 साल गुजरे, मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा,
इन दो बेसिक चीज़ों की हमारे साथ कमी रही। कई हमने मौतें देखी, दूसरी वेव सबके साथ कोई ना कोई दुखद घटना घटी है। तो ये जो प्लांटेशन का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है, एक उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, और सहयोग हमें इसमें भरपूर मिला है। और आने वाले समय में भी आप लोग ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके साथ ह्यूमन ह्यूमैनिटी को एक नया रूप मिले वो आप जारी रखेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अभी हम बात करने जा रहे हैं विनोद जी के साथ जो कस्टमर डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। शुक्रिया जनाब। विनोद जी, जैसे आपकी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही सक्रिय है, अगर हम बात कर लें क्रिकेट मैच खेलने की और चीज़ों की बात कर लें तो हमेशा ये पॉजिटिविटी इनके बीच में है। ये नहीं है कि सीडेट एक डिपार्टमेंट है, और आज जैसे आपका जो आयोजन हो रहा है यहाँ पर ब्लड डोनेशन का और प्लांटेशन का, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपको जहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सहयोगी हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं, ये पिछले 7-8 साल से बहुत ही एक्टिवली सामने आए हैं, इसमें आए हैं। और जैसे प्रवीण जी ने आज यहाँ रखा है, तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम हमेशा इनके लिए तैयार रहते हैं, सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, ताकि ये मानवता की सेवा हो सके। और जैसे एक आदमी को डिपार्टमेंटल तो होना ही चाहिए, ठीक है कि आप डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको अपना माइंड सेटअप है जो सोसाइटी की तरफ भी देना चाहिए। ये नहीं है कि लोग सोचें कि ये बिजनेसमैन कर लेंगे, ये और कोई लोग कर लेंगे, तो एक थोड़ा थोड़ा मतलब इनिशिएटिव अपना भी लेना चाहिए, जैसे आज आप लोग ले रहे हो इनिशिएटिव और उसमें एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है ऐसा। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हम पिछले 7-8 साल से बहुत एक्टिव हैं, और आपको शायद जान के खुशी होगी कि हमारा हमेशा ही ये मोटिव रहता है कि चाहे डिपार्टमेंट का बंदा हो चाहे अदर देन डिपार्टमेंट का बंदा, जब भी उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको अरेंज करा दिया जाए। हम लाइव डोनर भी हम भेजते रहते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 300-400 जो यूनिट है वो हमारे सहयोगी हर साल कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। बैकबोन ऑफ दिस कैंप जिन्होंने प्रवीण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की है, हमारी मुराद है हंसराज जी के साथ। सर, जैसे आप बापू जी के पाए हुए कदमों पर चल रहे हैं, उनका मिशन था सेवा करनी, समाज की सेवा करनी और लोगों को धार्मिक वाइब्रेशंस देनी, और वही आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं कि आप अब डिपार्टमेंट्स में भी अपनी सेवाएँ हैं जो उसी तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और सेवाओं के लिए आज सेवा जैसे ब्लड डोनेशन की हो रही है। हंसराज जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे वीर ऋषि गर्ग जी, जिस तरह तुम जानते पिछले कुछ साल तो मैं कोशिश कर रहा जिन्नी की सेवा हो सकती करता सोसाइटी की। हिंद टर्मिनल से आए मैंने थोड़े महीने ही होए आ, इतने आके मैं साथ मिले प्रवीण जी का, इन्होंने बहुत जो मेरे विचार लगभग इन्होंने विचार मेरे मिलते हैं, तो इन्होंने मैं सलाह दी, इन्होंने मैनू जो कहा जो इन्होंने मैंने कहा मैं वह दिन रात एक करके 2-3 फंक्शन अभी हूँ तक कर चुके हैं, ये साढ़े चौथा फंक्शन है। ये ब्लड डोनेशन कैंप है क्यों लग्या, क्योंकि ये भाई साहब विनोद जी जो मेरे जेरे महकमे बंदे है, इन्होंने मैंने कहा कि थैलासीमिया के पेशेंट DMC वेटिंग है, ब्लड चाहिए उन्होंने, तो कुछ करो। मैं दसा ही मैं कोई नहीं, आप करते हैं, असं करते रहने अक्सर, तुम्हें पता CMC तो आते रहते सारी टीम। ये पहली बार इन्होंने DMC तो कहते, DMC साढ़े पिंड भी गई कई बार टीम इन्हों की, फिर मैं इन्होंने की कहते कि असी 25 अगस्त रखी, 25 अगस्त तय किया असी, तो अज असी 3 इतने फंक्शन कर रहे हैं। पहला तो यह है भी सवेरे थोड़ा जहा रब का नाम लिया गया, उस तो बाद डॉक्टर की टीम आ गई है ब्लड डोनेशन वास्ते। साढ़ा टारगेट है मतलब 40-50 यूनिट, हो सकता 60-70 भी हो जाए, घट्टो घट 40-50 यूनिट हो गए जरूर, तो वो असी करना। उस तो पौधा रोपण है, प्लांटेशन है, तो वह प्लांटेशन वास्ते बूटे आ गए अपने को, 101 बूटा पहुँच चुका, बाकी बद भी ला सकते जिन्हें भी रिक्वायरमेंट हो। फिर उस तो लंगर है, बाकी जी जो शशीत आने माड़ा मोटा सन्मानित भी करा जिन्ना जोगे है। तो पर मैं सब तो ज़्यादा धन्यवाद देना चाहवा विनोद जी जिन्होंने मैंने सेवा का मौका दिता, क्योंकि
सरकारी दफ्तर में सरकारी अफसर लग के भी इदा का कोई काम करना इन्हों तो सीखे कोई। मैं वैसे सरकारी अफसर होने के नाते नाते चेयरमैन भी किसी एन जी ओ का तुम्हें पता बापू जोड़ा मोरिया ट्रस्ट रजिस्टर का चेयरमैन है। मैं तो वो मैं काम जो करते मैं महकमे बार बार ही करता कभी महकमे नहीं किया पहली बार 15 अगस्त से आह जरा अजाला असं कर लगे क्योंकि विनोद जी के सहयोग ना ही है। इन्होंने मैंने कहा तो आप इतने रख लिया तो प्रवीण जी ने साडा पूरा साथ दिता। इन्हों की पूरी मैनेजमेंट जी एम एस सी कंपनी जी दूसरे इन शिप अपने अपने इन्होंने जानि कि जो जो किसी को पावर हो उस पावर का सदउपयोग किया जाता दुरउपयोग सारे करते हैं। ये मैं मतलब इस गल कह कोई शर्म नहीं है कि किसी को काम लेना आना चाहिए। हरेक पोर्ट वाला बंदा अपन काम देने तैयार है जी अपना महकमा उन्होंने प्यार ना मना लवे समझा लवे बिठा लवे तो इस तरह पोर्ट वाल ने भी इदा ही है किसी नाल भी कोई काम करना तो उन्होंने प्यार ना अपना जी समस्या दस के गंभीरता ना समझा के वह हल किया जा सकता। तो आज कैंप लगना मैं लगता भी इस कैंप जो जिहड़ा ब्लड जाएगा वह उन्होंने लोड़वंदा एक नवी राह देगा। इन शब्दों मैं एयरपोर्ट के सारे स्टाफ का धन्यवाद करता। दर्शकों हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें समाज की सेवा हो जैसे आज ब्लड डोनेशन का हम देख रहे हैं तो प्रवीण जी ने अपने से शुरू किया सबसे पहला ब्लड यही दे रहे हैं। प्रवीण जी आपका स्वागत है। कैसे आपके माइंड में आया कि ये जो इनिशिएटिव है हमने लिया है कि लोगों का बढ़िया ब्लड थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को दिया जाए और उसका स्टार्टिंग आपने अपने ऐसे किया क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा नोबल कॉज था जो पिछले कुछ वर्ष 2 वर्ष गुजरे हैं जिस तरह की कमियां रही हैं देश में मौतें हुई हैं तो एक छोटा सा सहयोग हमारी तरफ से है और मैं खुद आज काफ़ी वर्षों बाद दे रहा हूं और इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आदत बना लूं हर 3-4 महीने में जो होती है उसकी मैं करूँ रक्तदान। धन्यवाद। मैडम एक आम आदमी जो अपना ब्लड है जो कैसे दे सकता है क्या नॉर्म्स हैं क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे प्रवीण जी ने आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोर्टल में सभी लोगों में एक नई एनर्जी है और प्रवीण जी ने अपनी एनर्जी पहले से सबसे स्टार्टिंग इन्होंने की है क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर बंदा मतलब जो भी देगा उसके लिए एक पूरी रजिस्ट्रेशन होती है ठीक है ना कि उनकी एज पहली बात तो वो लीगल एज का हो उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेसिकली क्योंकि अगर हमने देना है तो दोनों तरफ देखना है डोनर को भी प्रॉब्लम ना आए और जो पेशेंट है उसको भी कोई ज़्यादा मतलब मेडिसिन ना चल रही हो बेसिकली जो नॉर्मल मेडिसिन जो वो चल रही हो ठीक है वेट ठीक होना चाहिए एज ठीक होनी चाहिए सब कुछ देख के फिर लेते हैं ब्लड हम। और जैसे DMC का इनिशिएटिव है आप एज ए एक नॉर्मल पर्सन को जो आदमी अपनी बढ़िया लाइफ लीड कर रहा है उसके लिए कितने देर के बाद वो ब्लड दे सकता है कि वो मतलब उसमें कोई ऐसी क्योंकि माएँ जो हमारी मदर्स हैं उनको लगता है मेरा बेटा ब्लड नहीं देगा उनको ब्लड जब कोई देता है तो काफ़ी उनके मन में एक ना जैसे उदासी सी आती है कि मेरे बेटे ने ब्लड दे दिया क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड देने वालों जो लोग हैं उनमें और तरह का एक नई एनर्जी रहती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? एक तो फ्रेश ब्लड बनेगा ठीक है पहले तो बात तो हर 3 महीने बाद हम ब्लड दे सकते हैं ठीक है एक तो फ्रेश ब्लड बनेगा ऊपर से इनका जो जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी तो ये बेटर है हार्ट के लिए भी ठीक है इनके लिए तो है ही जो इनको डोनेट कर रहे हैं उसके लिए भी है तो दोनों का फायदा है इससे। थैंक यू मैडम। ये जरा नोबल काज के लिए तुम आए हो और डिपार्टमेंट द्वारा ये उपराला किया गया की कहना चाहोगे? मैं एक शलाघा योगदान कर रही हूँ भी ये खूनदान देना बहुत बड़ा योगदान है किसी की जान बच सकती खूनदान देना और खास तौर पर डिपार्टमेंट वालों ऐसा उपराला जो करना क्योंकि आप समाज सेवी संस्थावान तो देखते हैं पर डिपार्टमेंट के जिदा कस्टम डिपार्टमेंट भी नाल अटैच हैगी पोर्टल वाले भी हाँ जी बहुत वधिया इन्हां सारे वीरां दा जिहड़ा दे रहे खून किसी की साड़ी जान खून देने ना किसी का जान बच सके इन्हां दा आपदा उपराला है। डिपार्टमेंट के बारे की कहना चाहोगे कि अज डिपार्टमेंट्स तो जिहड़ियां उसी डेट वजह होंदियां पर लेकिन जिदा ये एक उपराले जिहड़े हिस्से करते रहिंदे जिदा अज इत्थे प्लांटेशन भी होनी है इस डिपार्टमेंट दे मैं बहुत शलाघा योग धन्यवाद करदी हाँ भी जिहड़ा इन्हां ने इन्ना उपराला किया वा और खास तौर पर DMC जिहड़ा एक नाम है जो बंदे नूं कोई राह लगता अखीर तो उन्होंने लगता भी DMC चले जाऊगा तो जो बच सकता बंदा तो बच जूगा की कहना चाहोगे कि DMC हमेशा पॉजिटिव रहिंदी है हर चीज़ के लिए और अज भी आप देख रहे हैं कि वड्डी टीम जी है इन्हां दी वलंटियर्स की सेवा इत्थे करन लई आई हुई है। मैं वलंटियर का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन्ना
कदम चुकिया है खून दान लाने का कैंप। पहला तो मैं सारे टीम का धन्यवाद करना चाहनी हाँ जो साढ़े नाल सहयोग दे रहे हैं, और सब तो मेन हंसरा सर का भी धन्यवाद कर रही हाँ कि उन्होंने अपने अपने बेटे के जन्मदिन पर खूनदान कैंप लगवाया, और सारी टीम का भी मैं धन्यवाद करती हाँ क्योंकि ब्लड डोनेट करना एक साढ़े लिए बहुत ही दान वाला काम आ, सो ये एक बहुत ही बढ़िया गल आ। अज फल मेहनत नू लगिया है नौकर सरकारी लगदे ने ए धरती पीर फकीरां दी जीना प्यार पाया अच प्यारे हो गए सब देने ए धरती पीर फकीरा दी गल्ला सच्चिया सलारपुरी आखरिया चौदा पुटना सी जड़ विचों नशियां नू मापिया दी सब तो उत्तम है होका दे गया बैम विच फसिया नू होका दे गया बैम विच फसिया नू रही खाट ना मैनू किसे चीज दी है ओ दे नाम दे जकारे लगदे ने धरती पीर फकीरां दी।